അയോധ്യയിലെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധത്തിലൊരു നഗരമുണ്ട് അങ്ങ് തായ്ലൻഡിൽ. തായ്ലൻഡിലെ അയോധ്യ എന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത്. 14 മുതൽ 18 നൂറ്റാണ്ട് വരെ 400 വർഷക്കാലം തായ്ലൻഡിലെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരു ബുദ്ധരാജ്യമായിരുന്നു അയുതായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തായ്ലൻഡിലെ അയോധ്യ. ഈ സ്ഥലത്തിന് അയോധ്യ എന്ന് പേരുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിൽ ചരിത്രത്തിലും ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അയുതായയിൽ ഒരു രാജവംശമുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ രാജാവും ശ്രീരാമന്റെ അവതാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അയുതായയിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ പേരുകളിൽ രാമൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുണ്ട്. ഇത് ഇവിടത്തെ പഴയൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ തലസ്ഥാനമായി അയോധ്യയെ പരാമർശിച്ച സന്ദർഭവുമായി ഈ തായ്ലൻഡിലെ അയുതായയെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ തൊട്ട് തായ്ലൻഡിലെ അയോധ്യ എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. और यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक है, ये हिंदू हैं. बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म के चेंज आते रही और ये मिक्स हो गया. और यहाँ के राजाओं ने इसी शहर में कुछ हिंदू मंदिर भी बनाए हुए हैं. यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लोहपुरी है, जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना. इससे यहाँ से 300 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे फैचबुन एक शहर है, और फैचबुन में श्री थेप एक मंदिर है जो 3000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजाओं ने आके यहाँ बनाया. तो आप ये नहीं कह सकते कि आप थाईलैंड में हैं या फिर किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में हैं. लेकिन हमारे समय के अनुसार वो कड़ी टूट गई और हमारे इतिहास में उसको जो है जगह मिलना बंद हो गया. मेरा तो यही कहना है कि आप अपने अपने घर में हैं, अपने राम की धरती पे हैं. जब इतनी दूर हमारा राम है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं है, ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है एज ए हिंदू, एज ए इंडियन. तो ये क्या श्री राम के जो वंशज हैं, राम नाम की उपाधि दी जाती है राजाओं के नाम से, इससे क्या इसका क्या है? नहीं, असल में क्या है कि अब हमारा हिंदू पद्धति के अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार राजा को जो है विष्णु का ही रूप कहा जाता है, और विष्णु ही जो है भगवान विष्णु ही श्री राम, तो ये दोनों एक ही हैं. और यहाँ के राजा लोग हिंदू धर्म से प्रभावित भी हैं और उसी के वंशज हैं, तो मान के चलते हैं ये विष्णु के ही रूप हैं. इस तरह के ये राजा वन, रामावन, रामा टू, रामा थ्री, ऐसे चलते. एक अंतिम सवाल, क्या समानताएं आपको लगती है, चूंकि आप यहाँ सालों से यहीं पर रहते हैं, थाईलैंड की धरती पे रह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से तो आप भारतीय ही हैं, क्या समानता है? समानता तो दोनों में यही है कि हम लोग अपने पूर्वजों को नहीं, ये भी हाँ, इतने सालों के बाद भी श्री राम को मान रहे हो, हम तो भारत से हैं, उनकी पूजा करते हैं.